अब हम लोग लिंक लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन यानी बिगनिंग में डाटा को ऐड करना सीखेंगे। ये देखिए मेरे पास ये लिंक लिस्ट है और यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है। अब मुझे चाहिए कि मैं फर्स्ट पोजीशन पर डाटा को ऐड करूँ, तो कैसे डाटा को ऐड करेंगे। वो वाला कोड हम लोग एक बार देख चुके हैं, पर देखेंगे कि उस बार देखे थे कि कोई डाटा नहीं रहेगा तब ऐड करेंगे, जब डाटा रहेगा तो क्या ऐड करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए अगर लिंक लिस्ट के अगर फर्स्ट पोजीशन पर डाटा ऐड करना है, मान लीजिए कि देखिए 2 टू 10 20 डाटा है। ठीक है, और डाटा है और क्या होता है कि हेड जो होता है फर्स्ट वाले एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है, तो एक नया हमारे लोग नोड बना है। ठीक है, एक हम लोग क्या करेंगे फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन के थ्रू एक हम लोग नोड भेजेंगे। ठीक है, नोड भेजे तो नोड में पहला पार्ट में डाटा रहेगा, नेक्स्ट पार्ट में नल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग कोड के थ्रू हेड वाले का एड्रेस पास कर देंगे। ठीक है, हेड वाले का जब एड्रेस पास कर देंगे तो इसमें क्या होता है ना कि एड्रेस का ही खेल सारा है, तो एड्रेस का पास करेंगे तो जो हेड वाला का एड्रेस पास हो गया, हेड क्या है, हेड लिंक लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट को ही एड्रेस को रखता है, तो वो क्या हो गया कि ये जो जो इसका जो एड्रेस पास हुआ तो ये फर्स्ट वाले पोजीशन पर आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, यह फर्स्ट वाले पे आ जाएगा और ये 10 सेकंड पर आ जाएगा थर्ड पे, हेड के अंदर ये वाला 5000 जो इसका एड्रेस था वो आ गया। ठीक है, इसका कोड यही है, एक कोड हम लोग इससे पीछे देख चुके हैं। तो इस कोड में क्या लिखे हैं, देखिए न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड, जो नया नोड बना इसके नेक्स्ट जो ए है वेरिएबल अर्थ है इक्वल टू हेड, मतलब नया नोड न्यू नोड के नेक्स्ट में इक्वल टू हेड कर, तो इस हेड हेड क्या है कि ये जो फर्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस रखता है, तो इसका एड्रेस इसमें आ गया। ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब क्या कर दिए कि अब न्यू नोड को ही हेड बना दिए, हेड इक्वल टू न्यू नोड कर दिया, यही जो न्यू नोड बना यही अब हमारा हेड हो गया। तो अब ये जो हेड है हेड के अंदर इसका एड्रेस चला गया, तो फर्स्ट पोजिशन पर हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला सेकेंड, इसके बाद ये थर्ड पोजीशन पर गया, सेकंड थर्ड। हाँ, इसके बाद जो भी ऐड करिएगा फिर से, अगर मान लीजिए वो वाला मेथड बनाएंगे और डालेंगे डाटा, तो फिर क्या करेगा, ये तो ऐसा रहेगा, फिर इस बार क्या करेगा, इसके अंदर फर्स्ट वाले का एक नोड बनेगा, यहाँ पर मान लीजिए 66 डालें, नेक्स्ट पार्ट में रहेगा ये नल, तो क्या करेगा कि फर्स्ट और जो अभी नोड डालें उसका एड्रेस रखेगा, तो अभी नोड के अंदर 5000 है, तो जो भी उसका एड्रेस होगा 5000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 66, यहाँ पर 5000। अब क्या होगा कि 5000 जो नया जो अभी एलिमेंट बनाएंगे, तो उसका मान लीजिए 10000 था उसका एड्रेस, तो उसका एड्रेस इसमें आ जाएगा, वो फर्स्ट पोजीशन बन जाएगा, 55 सेकंड पोजीशन बन जाएगा। चलिए अब एग्जांपल में दिखाते हैं। ये वाला देखिए, ये वाला कोड के बारे में हम लोग पीछे के 2 वीडियो में डिटेल से जान चुके हैं, तो आप उसको पूरे बढ़िया से देख लीजिएगा। ये देखिए कमेंट किया गया है और यही कोड से काम हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि पीछे आ रहा था तो कैसे सही करेंगे, वही लॉजिक यहाँ पर डालना है सेम टू सेम। और यहाँ पे एक नया मेथड बना लेंगे, क्या करते हैं डिस्प्ले के ऊपर ही बनाता हूँ। अब यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे पब्लिक वॉइड, और इसका नाम दे देता हूँ मेथड का नाम बिगिनिंग एड। ठीक है, और हम लोग एक डाटा पास करेंगे, एक पैरामीटर लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ डाटा। ठीक, क्योंकि यहाँ से एक डाटा जाएगा इंटीजर टाइप का। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से एक नोड भेजते हैं, तो सबसे पहले ये नोड वाला जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट इस पर बनाना पड़ेगा, तो नोड लिखें और इस ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी दे सकते हैं टू ऐड। ठीक है, इक्वल टू न्यू नोड, और इसके अंदर लिख देता हूँ डाटा, ये वाला जो डाटा जाएगा जो यहाँ से डाटा आ रहा है वो इसमें जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग चेक भी कर सकते हैं, अगर मेरा अगर कोई मेथड कॉल कर दिया डायरेक्ट कि बिगिनिंग में ऐड करो और कोई डाटा ना रहा तो क्या होगा, तो इफ हेड इक्वल्स टू इक्वल टू नल, अगर हमारे पास अगर डाटा नहीं रहा है तो क्या होगा, तो हेड को कर देंगे हेड इक्वल टू टू एड। ठीक है, और टेल भी कर देते हैं टू एड, हेड टेल दोनों सेम, एल्स अगर हमारे पास डाटा रहा तब क्या करेंगे, तब वहां पे क्या करेंगे कि जो हमारा जो नया नोड बन रहा है जो कि टू एड इस क्लास में ऑब्जेक्ट का नाम ले लिए हैं, आप इससे पहले जो न्यू नोड के नाम से लिए तो वो ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं अलग ले लिया कि कोई कंफ्यूजिंग ना हो। तो इस ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के नेक्स्ट जो बन रहा है नया ऑब्जेक्ट उसके नेक्स्ट में इक्वल टू कर देना है हेड। हेड ऐड करेंगे तो हेड का एड्रेस इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में जो नया नोड बना है उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हेड का एड्रेस आ गया। अब क्या हो गया, हेड इक्वल टू कर देंगे टू एड, टू एड। तो अब क्या हो जाएगा कि जो नया नोड बना वो हेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काम हो गया। अब नीचे आते हैं, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग कॉल करेंगे। तो ये जो हमारा मेन क्लास था उस क्लास को ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे डॉट, और इस फंक्शन का क्या नाम था, इस फंक्शन का जो जो मेथड हम लोग बनाए हैं ये देखिए, बिगिनिंग एड लिखना चाहिए था, नेग एड लिख दिया, ठीक है, बी जी एड लिख दिए हैं। ठीक है, इस वाले फंक्शन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉट, लिखे हैं बिगिनिंग एड, और यहाँ से हम लोग पास करेंगे 55। ठीक है, और इसको देखने के लिए लिंक लिस्ट डॉट डिस्प्ले जो मेथड हम लोग बनाए थे डिस्प्ले का यहाँ पे देखने के लिए, तो उसको कॉल करेंगे। ये हमारा पिछले दो वीडियो का पार्ट है तो आप देख सकते हैं। अब इसको रन करेंगे और एक काम कर दो, यहाँ पे एक हम लोग लाइन दे देता हूँ तब पता चलेगा। आफ्टर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग राउंड करते हैं, देखिए 10, 20, 30, 40 है। ठीक है, अब इसके बाद आफ्टर के बाद हम लोग बिगनिंग ऐड किए हैं, मतलब शुरू में शुरुआत के साइड हो। देखिए 55 यहाँ पे आ गया, 10, 20, 30, 40। वही अगर इसके बाद मान लीजिए एक बार ऐड हो चुका है, और एक बार मैं ऐड करूँगा लिंक लिस्ट डॉट बिगनिंग, बिगनिंग ऐड अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 88। ठीक है, फिर से अगर मैं डिस्प्ले वाला कॉल कर दूँ तो लिंक लिस्ट डॉट डिस्प्ले, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे इस आउट दे देता हूँ कि एक लाइन हम लोग को खाली मिले। अब मैं रन करता हूँ तो अब देखिएगा क्या होगा। देखिए ये वाला क्या था, यहाँ तक तो देख लिए थे 55 वाला, अब इसके ऊपर देखिएगा स्पेशल लाइन हुआ 88, 55, 10, 20, 30, 40 आने लगा। ठीक है, और बाकी ये सब पूरा कोड जो आपको देख रहे हैं ऐसा इसके पीछे वाला वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में देख चुके हैं, तो देख के आप समझ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।